आपका अपना स्वागत करते हैं एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। आज की वनस्पति है जल धनिया। तो आज हम बात करेंगे जल धनिया के परिचय के बारे में, इसके गुणधर्म, इसकी उपयोग विधि, इसके नुकसान और इसकी मात्रा कि किस व्यक्ति को इसकी कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, आदि बातें इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो आप वनस्पति देख रहे हैं इसको जल धनिया के नाम से जानते हैं। ये वत्स नाब कुल की वनस्पति होती है और जो पानी के किनारे काफ़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। इसके पत्ते धनिया की तरह दिखते हैं और जल के किनारे होती है, इसलिए इसको जल धनिया के नाम से ये वनस्पति प्रसिद्ध है। तो इस धनिया को भी या इस वनस्पति को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि संस्कृत में कंडकारी, कटुतुल्लका, तोयावल्ली, नशा वेदना, हिंदी में जल धनिया, वेदकंडरा, बिहारी में पालिका, बंगाली में जल पीपली, पंजाबी में कभी काजा, फारसी में मूसा, अंग्रेजी में वाटर सैलरी या वाटर कफ, और इसका वर्टिकल नाम रेनन प्लस स्क्लीरेटस है। आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ये वनस्पति प्रायः पानी वाले जगहों पर देखने को मिलती है, जैसे नदी, तालाब, झरना, नाली या जहाँ सीलन वाली जगह होती है वहाँ यह स्वतः उग जाती है। ये भारतवर्ष के कुछ माउंटेन एरिया में भी पाई जाती है, उत्तराखंड में भी तो बड़ी मात्रा में ये उगती है। तो जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये उत्तराखंड से ही है, उधम सिंह नगर से। अगर आपको कभी जल धनिया की ज़रूरत हो तो आप कॉल कर इसको मंगवा सकते हैं। हमने ये काफ़ी लोगों को जल धनिया पहुँचाया है। तो आगे इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि इसको हम किन किन बीमारियों में यूज करते हैं वो आगे बताएंगे। पहले इसके हम परिचय के बात कर लें। जल धनिया की लंबाई 1 से 3 फीट तक की हो सकती है। ये बहुवर्षीय पौधा होता है और इसके पत्ते धनिया की तरह ही दिखते हैं, जो 3 खंडों में विभक्त होते हैं। इसके पुष्प पीले रंग के और पंखुड़ियाँ बहुत सुंदर चिकनी चिकनी सी दिखती हैं। इसके फल पिपली की तरह छोटे छोटे इस पर लगे होते हैं और गोलाकार लंबा होता है, और इसके बीज छोटे बारीक होते हैं जो करीब हेमंत से वसंत के ऋतु तक इसमें पुष्प और उसके बाद फल लगते हैं और बाद में ये स्वतः झड़ जाते हैं। तो इस जल धनिया के यूज की बात करें तो इसका पंचांग यूज में लाया जाता है, इसके फूल, पत्ती, तना सारा कुछ इसमें यूज में ला सकते हैं। इस जल धनिया के गुणधर्म की बात करें तो इसका रस कटु तिक्त होता है, इसका गुण छीड़ है, इसका तासीर गर्म है, इसका विपक कटु है, और ये कफ और वात का ये नाश करने वाला होता है। इसका प्रतिनिधि पौधा थुअर का दूध माना जाता है। तो आप समझ लें जो गुणधर्म थुअर के दूध में होते हैं वही इस जल धनिया में भी पाए जाते हैं। तो इस पौधे के बीजों को छोड़कर सारे पौधों में एक कटु पित्त वर्ण का एक उड़नशील तेल निकलता है, जिसको हम प्रोटोनियम के नाम से जानते हैं, जो शरीर पर कहीं भी लग जाए तो जलन या फफोला डाल देता है। इसको अगर हम उबाल लें या घी में भून लें तो वो तत्व खत्म हो जाता है। उसके बाद हम इस जल धनिया का प्रयोग कर सकते हैं और किसी बीमारी में हम इसको कच्चा या डायरेक्ट भी यूज करते हैं। तो इस जल धनिया का उपयोग हम इंटरनली और बाह्य दोनों रूप से करते हैं। इस वनस्पति का उपयोग ज़्यादातर हम स्किन प्रॉब्लम, खाज, खुजली, एक्जिमा या आपका लिकोड्रमा, सफ़ेद दाग, उसमें हम करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इसके पत्तियों को तोड़ लें और वहाँ पेस्ट बनाकर बांध दें, तो वहाँ की जो स्किन है या जो सफ़ेद दाग है वहाँ छाला उठ जाता है, और छाला उठ जाने के बाद वो आप फोड़ दें, पानी निकाल दें, और जख्म भरने के लिए आप मक्खन का या जलन शांत करने के लिए मक्खन का यूज करें। उसके बाद वहाँ की स्किन ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार आप उसके यूज करते हैं। दाद में तो बहुत ही अच्छा इसका उपयोग किया जाता है। इसको मूषक के नाम से भी जाना जाता है, और मूषक एक बीमारी फैलाता है जिसको प्लेग कहते हैं। तो प्लेग जैसी बीमारी में आप इसकी पत्तियों को तोड़कर करीब 4 से 5 और सुबह आप खा लें तो आपके जो प्लेग होने की आशंका है वो कम हो जाती है। अगर आपको प्लेग की गांठें हो भी जाती हैं
तो भी आप इसकी पत्तियों को तोड़कर वहां बांधते हैं तो उसकी गांठें भी बैठ जाती हैं। और इसकी पत्तियों का सेवन आप नीम की पत्तियों के साथ करते हैं या तुलसी के पत्तियों के साथ आप सेवन करें तो आपके बुखार जो प्लेग का आता है उसमें भी इसका फ़ायदा देखा जा सकता है। इस जलधनिया का टिंचर भी बनाया जाता है, अचार भी बनाया जाता है, तो आगे हम बताने वाले हैं कि उसका अचार और टिंचर आप किस प्रकार बना सकते हैं। इस वनस्पति का उपयोग नपुंसकता जैसे रोग में भी किया जाता है। जिन लोगों ने बचपन में गलतियां की हैं तो उससे नसों में जो लूजपन आ जाता है, तो ऐसे में आप इस वनस्पति को तोड़ लें और वहाँ उसका पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद वहाँ फपोले या फुंसियाँ सी हो जाएंगी, उसके बाद वहाँ का फुंसियों के द्वारा जो गंदा पानी था वहाँ निकल जाता है। और फिर आप मक्खन का उपयोग करें, वहाँ की स्किन ठीक हो जाएगी और उनमें उत्तेजना आ जाती है। दांतों में दर्द होने पर आप इसकी चटनी बनाकर दांतों के नीचे रख लें तो आपके दांतों के दर्द में भी बहुत आराम होता है। जिन माता बहनों को मासिक धर्म रुक जाते हैं, खुल के नहीं आते हैं, तो ऐसे में आप इस जलधनिया के पत्र का कलक बनाकर शहद मिलाकर गर्भाशय के मुख पर रख दें तो रुका हुआ पीरियड पुनः चालू हो जाता है। आजकल इस वनस्पति का उपयोग गंजापन में भी करते हैं। हमने कई वैद्यों को इसको बिहार की ओर भेजा है और बिहार के वहाँ वैद्य लोगों का कहना है कि इस वनस्पति का उपयोग हम बालों को जो गिर जाते हैं, जो 30 साल से कम है उनके बाल गिर जाते हैं उनमें इसका उपयोग करते हैं, तो उसमें इसका कलक बनाकर उनके बालों की धुलाई करते हैं सिर की, और उसके बाद सिर पर इस पत्तियों का लेप भी कर देते हैं। उससे वहाँ की स्किन में जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वहाँ के जो वाल हैं वो पुनः उग आते हैं। तो इस प्रकार ऐसी बीमारियों में भी इसका यूज किया जा रहा है। और कुछ वैद्य लोग इसका उपयोग कीमिया में भी करते हैं, सोना बनाने के लिए भी इस वनस्पति का यूज किया जा रहा है। ऐसे ही नुहा या बाला रोग होता है जिसमें स्किन के नीचे एक बारीक धागेदार कीटाणु होता है, वो कीड़ा अगर घुस जाए तो वहाँ के स्किन में उपद्रव पकड़ देता है, खुजली कर देता है और वहाँ से फुड़िया हो जाती है और पानी देता रहता है। अगर हम उसको खींच के बाहर निकाल दें तो वो खींच देता हम अगर टूट जाए तो शरीर में पुनः जीवित हो जाता है और अंडे दे देता है बहुत सारी मात्रा में। तो उसको नष्ट करने के लिए आप इसकी पत्तियों को पीस कर वहाँ लेप कर दें तो वहाँ छाला पड़ेगा, जलेगा और वहाँ के जो कीटाणु हैं या उसके अंडे हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। दूषित वर्ण या पुराने से पुराने जख्म को शोधन करने के लिए आप इसके जलधनिया के जो पत्तों का पानी है और उसमें जित्यादि तेल, इन दोनों को मिलाकर आप वहाँ लेप कर दें तो आपके पुराने से पुराने जख्म भी भर जाता है। जिन लोगों को मंदाग्नि है, भूख नहीं लगती, तो इस जलधनिया का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये दीपन पाचन का काम करती है। इसकी जो तासीर है गर्म है तो आप इसके पत्तियों को घी में भून कर और 1 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करें तो आपको भूख खुल के लगने लगेगी। बवासीर या अर्श होने पर आप जलधनिया की जड़ को काली मिर्च में पीस कर आप बवासीर पेशेंट को पिला दें तो बवासीर में आराम होता है। इसका उपयोग आप बात रोगों में ही कर सकते हैं, जैसे रूमोअर्थराइटिस, अर्थराइटिस जिसमें हड्डियां घूम जाती हैं, उनको बहुत ठंड लगती है, तो ऐसे में उष्ण वनस्पति का प्रयोग करते हैं। आप इसकी पत्तियों को सुखा लें और इसको बारीक पाउडर कर लें और 250 mg से लेकर 500 mg की मात्रा में आप सौंफ अरक के साथ इसका सेवन करवाएं तो आपके गठिया रोग में भी बहुत आराम होता है। उसी प्रकार इसका तेल भी बनाया जाता है। आप इसकी पत्तियाँ या इसका पंचांग ले लें और उसको पीस लें और पीसने के बाद उसका रस निकाल लें। जितना ही रस है उतनी मात्रा में आप तिल का तेल ले लें और हल्की आंच पर इसको उबालें। जब आपका तेल सिद्ध हो जाए आप इसको छान के रख लें और छान के रखने के बाद आप इसको हल्के हाथ से जहाँ भी जोड़ों में दर्द है, जहाँ भी पक्षाघात की मसल सूख गई हैं, रक्त का दबाव या प्रेशर कम है, उसको वहाँ आप मालिश करें तो आपके जो दबी हुई नसें हैं या जहाँ दर्द है वो सारे कुछ सही हो जाता है। ये गर्म है इसलिए इसका यूज आप कर सकते हैं। इसी प्रकार इस वनस्पति का टिंचर भी बनाया जाता है। टिंचर बनाने के लिए आप इसका स्वारस ले लें। जितनी मात्रा में स्वारस है उसका 10% आप इसमें
रेक्टिफाइड स्प्रिट डाल दें और दोनों को मिश्रित कर दें, और दोनों को मिक्स करने के बाद ऊपर से ढक्कन लगा दें और 3 से 4 दिनों के लिए आप इसको छोड़ दें। उसके बाद आप इसको फिल्टर पेपर से छान लें और आपकी दवा तैयार है। आप इसका उपयोग 10 से 15 बूंद और 30 ml पानी में आप मिलाकर इसको सेवन करें। इससे सेवन करने से आपकी प्लेग का बुखार, स्त्री की गर्भाशय के विकार, दूध की मात्रा, पाचन शक्ति आदि सब कुछ ठीक हो जाती है। इस जल धनिया का अचार भी बनाया जाता है। अचार बनाने के लिए आप इसके कच्चे कच्चे जो कलियां हैं या पत्ते हैं उनको तोड़ लें और इसको पानी में उबालें। जब उबलने के बाद ये थोड़ी सी नरम हो जाएं तब आप इसको बाहर निकाल लें और साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आप इसको एक कांच के बर्तन में भरकर रख दें धूप में करीब 4-5 दिन के लिए, और इसमें 4-5 दिन के बाद इसमें खटाई सी आने लगेगी, फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका उपयोग आप कफ और वात रोगों में आप कर सकते हैं। तो जल धनिया गर्म तासीर का होता है, तो जो लोग गर्म तासीर के हैं वो इसका सेवन ना करें। जो कोमल प्रकृति के लोग हैं उसका सेवन ये ना करें, क्योंकि ये जलन डालता है, दहा डालता है। और इसका सेवन आप इंटरनली ना करें बिना वैद्य के, और इसको गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये जहरीली वनस्पति होती है, कहीं भी ये लग जाए तो जलन, खुजली या फफोला डाल सकती है। जिन लोगों को पेट में अल्सर है या जख्म है या दस्त लगे हैं या उनको उल्टी होती है, तो उस टाइम भी इस वनस्पति का यूज ना करवाएं। इस जल धनिया को अगर आपको मंगाना है तो हमारा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अभी जो है फरवरी का महीना चल रहा है और ये मार्च के बाद इसके जो सूख जाता है और इसके जो फल हैं वो भी झड़ जाते हैं और गिर जाते हैं, उसके बाद ये नहीं मिलेगा। ये करीब दिसंबर के लास्ट में उगता है और मार्च के बाद ये सूख जाता है। तो ये बहुवर्षीय पौधा होता है, ये बारहमासी नहीं होता है। तो ये जल धनिया के बारे में आप जानें और इसका उपयोग करें, और इस वनस्पति को आप हिदायत बरचें, क्योंकि ये जहरीली वनस्पति है। आप इसको अपने मन के अनुसार इसका सेवन ना करें। इस वनस्पति का उपयोग जड़ी बूटी जानकार या आयुर्वेदिक चिकित्सक की देख रेख में आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई वनस्पति जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।